नाजरीन मेरे चैनल पर अगर तुम पहली बार ही आए हो तो तुहानू रिक्वेस्ट करूँगा तुम सबसक्राइब के बटन नू क्लिक कर लो और बैल आइकन के बटन नू लाजमी दबा लो ताकि मेरिया तुहाडे कोल इनफॉर्मेशन भरिया वीडियोज़ टाइमली आ सकन और उन्होंने नोटिफिकेशन तुहाडे कोल पहुँचे। अगर तुहानू मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इनू लाइक और शेयर जरूर करो तो अपना इजहार का जिहड़ा कमेंट्स बॉक्स के लाजमी जिक्र करो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ज़िक्रिया पंजाबी चैनल की तरफों अबैदुल्ला अनवर तुहाडी खिदमत दे विच हाज़र है। अज असी शोभा एग्रोनॉमी दे डेरे फिजियोलॉजी ते हाज़र होए हैं और इत्थे मुलाकात करांगे असी मुहम्मद आशिक साहब असिस्टेंट एग्रोनॉमिस्ट ने और चावल दी उपर वसी तजर्बा रखदे ने। ते अज असी इन्हां को हाज़र होए हैं कि चावलों दे विच या मूंजी दे विच जिहड़ी जड़ी बूटियां उन्हां नूं तलफी करन दा की तरीकाकार है। अस्सलाम वालेकुम आशिक साहब। वालेकुम सलाम जी। माशाल्लाह सर, मैं पूछना चाह रहा सी कि जड़ी मूंजी अपनी और पानी लाण तो फौरन बाद जड़ी बूटियां दी तलफी वास्ते केड़ी स्प्रे करनी चाहिदी है, उन्हूं किस तरह ख़त्म किया जाए या स्प्रे नहीं कर सकते तो इहदा कोई होर तरीकाकार है तो वह सानूं दसो। ठीक है, काश्तकार भरावां नूं जिस तरह के पता है कि मूंजी की फसल में अजकल सवंकी टिड्डन ते कोड़ा गा ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, इन्हां जड़ी बूटियां दी तलफी वास्ते तरीका ये वे कि मूंजी की नर्सरी मुंतकिल करन तो 2 तो 3 दिन बाद कौंसल एक्टिव जिहड़ी कि बाहर पाकिस्तान की दवाई है 75 ग्राम फी एकड़ के हिसाब नाल, कौंसल एक्टिव 75 ग्राम फी एकड़ के हिसाब नाल ये दवाई 1.5 लीटर वाली खाली बोतल लैके उहदे च ये दवाई मुंतकिल करके उन्हूं पानी नाल भर लेना है, उन्हें मिक्स कर लेना, वो हल हो जाएगी। उस तो बाद मूंजी लाने तो जिस तरह के मैं दस्या है 2 तो 3 दिन बाद मूंजी लाने तो 2 तो 3 दिन बाद इनू तुसी शेकर तरीके नाल, क्योंकि शेकर इस्तेमाल करने का तरीका है वे कि जो बोतल का ढक्कन है उहदे विच सूए नाल एक सुराख कर लिया जाए, सुराख करके तो 1 एकड़ के सिर्फ 6 चक्कर लगा दिते जाण, छिड़काव कर दिता जाए ये कतरे दाएँ और बाएँ छिड़कांदिया होया इस तरीके नाल, तो फिर जनाब वो दवाई सतह पानी की सतह उत्ते आपे फैल जाती है। ये दवाई कौंसल एक्टिव दवाई पाउण तो 2 हफ्ते तक बाद तक पानी खड़ा रखा जाए तो बिल्कुल फुल सीजन तक मूंजी दे विच ना डीला उगता है ना सवंकी ते ना कोड़ा का, इन्हों पूरा 100% कंट्रोल करती है। अगर दवाई इस्तेमाल करने तो बाद पानी सुक जाए तो फिर बाद जड़ी बूटियां निकल आंदियां ने। आशिक साहब, अगर मूंजी की मुंतकली तो बाद बिजाई दे वक्त कोई बंदा स्प्रे ना कर सकिया होवे ते जड़ी बूटी उगन तो बाद कोई स्प्रे की जा सकती है? हाँ जी हाँ जी, अगर बिजाई दे वक्त कौंसल एक्टिव या कोई ये मुतबादल जहर शेकर बोतल ना इस्तेमाल नहीं की जा सकी तो फिर 2 हफ्ते बाद जड़ी बूटियाँ उगनी शुरू हो जाती ने मूंजी च, जो जड़ी बूटियाँ उगाउन तो ये मैटामीफाप जिहड़ी कि दवाई ग्रीन सन दे नां ते कभी मशहूर है, ये कोड़ा का दी तलफी वास्ते, कोड़ा का अजकल राइस जोन के अंदर बड़ा प्रॉब्लम बनया होया है, ग्रीन सन कैनदो है जी की दवाई है, ये दवाई 500 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब नाल इस स्प्रे करके कोड़ा का नूं तलफ किया जा सकता है। अगर कोड़ा का दे नाल सवंकी मधाणा और टिड्डन वगैरह भी मौजूद ने तो फिर इहदी बजाए सानू मैटामीफाप प्लस साई हैलोफाप 10 EC 10% मैटामीफाप प्लस साई हैलोफाप ये दवाई 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब नाल ये स्प्रे करिए, हर किस्म के ग्रासेज नूं जिन्हां दे विच कोड़ा घा सवंकी डिड्डन और मदाणा वगैरह आ जाते हैं इन सारयां नूं ये तलफ कर देंदी है। ज़्यादा लेट स्प्रे नहीं करनी चाहिए, मूंजी की मुंतकली तो बाद 1 महीने के अंदर अंदर इहदी स्प्रे करनी जरूरी है। उस तो बाद इहदे कि डीला उग पैंदा है, अगर डीला और सवंकी वगैरह मौजूद ने फिर सानू बिसपैरीबैक सोडियम स्प्रे करनी चाहिए, बिसपैरीबैक सोडियम कलोवर है 4B की, इस तरह ही हो विंस्टा के नाँ से इन्हों की FMC की कई कंपनियों की दवाइया ने कि बिसपैरीबैक सोडियम जी ये डीला और सवंकी टिड्डन इन्हों बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल करती है, लेकिन चूंकि घोड़ा घा नहीं मारती तो घोड़ा घा वास्ते सानू मैटामीफाप बेस्ड कोई दवाई जी ना वो इस्तेमाल करनी चाहिए है। ये डीला और सवंकी नूं तलफ करने वास्ते बिसपैरीबैक सोडियम 80% ये 80 ग्राम 80 तो 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब नाल 100 लीटर पानी मिला के ये स्प्रे करनी चाहिए है। अगर डीला ही बहुत वड्डा हो जाए कोई और जड़ी बूटी ना हो फिर सानू
बायर कंपनी की एक दवाई है सन स्टार, सन स्टार दे विच इथोक्सी सल्फ्यूरान है। ये दवाई 20 ग्राम फी एकड़ के हिसाब न 100 लीटर पानी मिला के स्प्रे की जाए तो मुंजी नु नुकसान पहुँचाए बगैर डीले नु पूरी तरह तलफ कर देंदी है। उम्मीद की जाती है कि काश्तकार भरा इन गल्लां ते अमल करके मुंजी की पैदावार इजाफा करनगे। ए लेटेस्ट तुसी दसिया कि इहदी एक किस्म आ मुंजी लाण दी, ते इहदे विचों अगर जड़ी बूटियां तलफ करनियां होण ते उहनां नु किस तरह किसान भरा साडे जड़ी बूटियां नु तलफ कर सकदे ने, ते इहदे वास्ते किहड़ियां दवाईआं तुसी रिकमेंड करदे हो? हाँ, मुंजी ड्रैप बराह रास बीज तो ड्रिल की जाती है, छट्टे वाली दे बारे दे विच असीं दवाइयां नहीं दस सकते क्योंकि ड्रिल का रवाज है, ड्रिल नाल काश्त की इस तरह ही लाइनों में उगी हुई नज़र आती जिस तरह के मुंतकिल शुदा मुंजी होंगी है। इहदा भी रवाज बनता जा रहा पानी की कमी के पेशे नज़र ना DSR का जिहड़ा ना ये आम होंदा जा रहा है। DSR चों जड़ी बूटी कंट्रोल करन दा तरीका है कि बिजाई करके तो 2 दिन उन्हें उस वक्त पानी ला देना है, मुंजी की ड्रिल कर देनी है सुकी जमीन सुका बीज ड्रिल करके पानी ला देना है। 2 दिन बाद वत्तर आने के उत्ते ये पेंडीमैथलीन 1 लीटर फी एकड़ के हिसाब न यह दवाई स्प्रे कर देनी है। ये सवाए डीले और तांदले तो बाकी तमाम जड़ी बूटियों ये कंट्रोल कर देगी। डीला और तांदला उग पैना है। ये मुंजी लाने तो 15 से 20 दिन बाद असी ये बिसपैरीबैक सोडियम स्प्रे करांगे, डीला और तांदला भी तलफ हो जाएगा। अगर असी बिजाई के वक्त पेंडीमैथलीन इस्तेमाल नहीं कर सके तो हर तरह की जड़ी बूटियां उग पैंदियां ने, घोड़ा घा सुअंकी हिटसिड तांदला हर चीज़ उग पैंदी है। तो ऐसी सूरत दे विच सानू ये काम करना 2 मरतबा स्प्रे करने की जरूरत दरपेश हो सकती है। मुंजी ड्रिल करन तो 15 दिन बाद मैटामीफाप प्लस साई हैलोफाप ये 10% EC के हिसाब से क्रॉपटेक कंपनी की दवाई है, ये स्प्रे कर दी जाए। ये हर किस्म की ग्रासिज न मदाना घा सवंकी कौड़ा घा इन्हों खत्म कर देती है, लेकिन डीला और तांदला ये नहीं मारती। जो मुंजी 1 महीने की हो जाए तो फिर ये बिसपैरीबैक सोडियम 80 से 100 ग्राम फी एकड़ के हिसाब न स्प्रे कर देनी चाहिए। स्प्रे करके 1 दिन बाद पानी लगाना जरूरी है ताकि मुंजी पूरी तरह महफूज रहे। यह है तरीका, 2 स्प्रे तो बगैर जोड़ा ना DSR वीड कंट्रोल मुमकिन नहीं है। नाज़रीन हुण असी तुहानू DSR दे तरीके नाल लगी हुई मूंजी विजिट कराण आए हैं और आशक साहब नू पुछदे हैं कि DSR और दे विच जिहड़ी बूटी तो बगैर किहड़े फील्ड है और फुल जिहदे विच स्प्रे नहीं हुई वह किहड़ी फील्ड आ। अगे हुण असी रहनुमाई लैंदे हां आशक साहब दे कोलों। DSR दे विचों जड़ी बूटी कंट्रोल करन वास्ते असी इस फील्ड दे विच पोम एक्सट्रा 400 मिलीलीटर ते उहदे विच 100 मिलीलीटर फिनोक्साप्राप मिला के स्प्रे की है। तुसी वेख सकते हो कि पोम एक्सट्रा ये तारा ग्रुप की एक दवाई है OD फार्मूलेशन, ये एक ही स्प्रे नाल तमाम किस्म की जड़ी बूटियां बशमूल घोड़ा घा मदाणा तांदला इटसिट और डीला भी ये तमाम जड़ी बूटियां साफ कर देती है। जिस तरह क्या तुसी खेत वेख सकते जे इस खेत में पोम एक्सट्रा स्प्रे की गई है 400 जमा 100 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब न, ये हर चीज़ उगी हुई है। जबकि ये ही जिदे विच असी स्प्रे नहीं की वो अनट्रीटेड है। अजे देखो ये जड़ी बूटी की बहुत ज़्यादा है तो मुंजी ये घट नज़र आ रही है, जबकि स्प्रेशुदा जोड़ा है वो साफ सुथरा है, वो तमाम जड़ी बूटियों की सफाई है, इक्का दुक्का जड़ी बूटी मौजूद है। तो असी अपने काश्तकार भरावान DSR काश्त करने वाले कहने कि DSR मुंजी काश्त करके 15 से 20 दिन के अंदर अंदर पोम एक्सट्रा 500 मिलीलीटर प्लस 100 ml यानी ये दवाई मिला के ये स्प्रे करन ते DSR दी तमाम जड़ी बूटियां तो एक ही स्प्रे नाल निजात हासिल कर सकते। नाज़रीन तुसी DSR नाल लगी हुई मुंजी देखी है, हुण असी तुहानू दिखाने जिहड़ी रवायती तरीके नाल मुंजी लगदी है और आशा साहब नू पुछदे हां इहदा और उहदा की फर्क आ दोवां दा मुंजियां दा। अच्छा जी, रवायती तरीके नाल जिहड़ी मुंजी लगी हुंदी है उहदे विच तुहानू पता है कि एक एक पौधा लाना पैंदा है। आ देख लो ना कि किड्डी मेहनत इहदे विच करनी पैंदी है, ते गर्मी दे विच लगदी है, गर्मी दे विच जिहड़े लाभे ने ना मुंजी लाउण वाले वह भी अवेलेबल नहीं हुंदे। तो ये ना हालात दे पेश नज़र DSR वाल गए ने, अदरवाइज़ ट्रांसप्लांटेड मुंजी जिहड़ी कि ऐ रवायती तरीके नाल लगदी है पैदावार इहदी ज़्यादा हुंदी। इह नाज़रीन तुसीं अज देखिया कि अज असीं अयूब रिसर्च दे विच आशिक साहब दे नाल जी मुंजी दे विचों
ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਫ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੀ ਐੱਸ ਆਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਫ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੂੰਜੀ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ਼ਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਤਲਫੀ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।